आखिरी मौका तलाश रहे हैं। केतन को ऊपर लगी है, आसमान में खड़ी रह गई, भावेश पवार ने कैच लिया और केतन मात्रे आउट। एक बड़ा शॉट खेलने गए और उसमें असफल। शेवटी हा बर्फ वितळला असं म्हणायला हरकत नाहीये, भरपूर वेळ त्याने खेळपट्टीवर घालवला, परंतु शेवटच्या क्षणाला मोठा फटका मारण्याची मानसिकता पुन्हा एकदा आडवी येत असताना ऑन साईडला कायचं होतं होगा, लेकिन चाहेंगे नाही बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क। राकेश प्रभू इस मरतबा खराब शॉट है, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? यस, एक और विकेट, कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि चाहेंगे नहीं बालाजी ग्लोबस, परंतु असे जर फटके खेळले तर मात्र आउटच होणार आहात, आणि अशा परिस्थितीमध्ये शॉर्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो बॉल खेचून मारायचा होता ऑन साइडला, एलिव्हेशन कमी मिळाला, चुकीचा फटका, स्ट्रोक सिलेक्शन खराब, आणि आणखीन एक फलंदाज राकेश प्रभूच्या जाळ्यात। हॅट्रिक पर आ गए अब राकेश प्रभू, और बीपीएल में अब तक दो हॅट्रिक हो चुके हैं। बाजी अच्छी की है, गेंदबाजी अच्छी की है, प्रभू मुड़े, ओ स्विंगिंग यॉर्कर, बहुत जोरदार अपील वहां पर, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने। यस, इज आउट, स्लो डेथ, हैट्रिक पूरा, देर से डिसीजन आया है अंपायर फारूक बर्डी का। बॅटला लागलाय का हेच विचारायचं होतं, आणि शेवटच्या क्षणाला त्यांचा निर्णय येतो परफेक्ट यॉर्कर, आणि यॉर्करची रिस्पेक्ट आहे क्रिकेटमध्ये। ये दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है, ना उगले जाए ना निकले। प्रभू मुड़ते हुए स्वीप की कोशिश, एक और LBW, ओ माय गॉड, क्या मुकाबला हो रहा है, डबल हॅट्रिक, चार बॉल मध्ये चार शिकार केलेले आहेत राकेश प्रभूने, काय बॉलिंग केली आहे राकेश प्रभूने, ऑल इंडिया।